नमस्कार दर्शक बंधु, लाटेस्ट जॉब्स ओडिशा को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज निजुक्ति सूचना रही कलेक्टर ऑफिस रे निजुक्ति। दर्शक बंधु, जदि आपण माने प्लस टू टीए करछन्दे ताहले एही पदवी पई आवेदन करि परिबे कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोरापुट नुआकिरी किसी जॉब वैकेंसी प्रकाश करछन्ती लेडी मैट्रन पदवी पई आपण मानु ऑफलाइन रे आवेदन पत्र को ग्रहण करिया पई आह्वान करछन्ती। जदि आपण माने कलेक्टर ऑफिस रे जॉब टे करिया पई इच्छुक अछन्ती ताहले जानतो आपण मानकर शिक्षागत योग्यता कोन रहिबा आवश्यक, कोन रहिबा आपणकर वयस सीमा, सैलरी कोन रहिबा, इम्पोर्टेंट नोट कोन रहिछ आपण पई इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट कोन डॉक्यूमेंट दरकार हबा आपण माने याको ऑफलाइन रे आवेदन करिया पई आपण मानकर सिलेक्शन प्रोसेस किपर रहिबा, एप्लीकेशन फी कोन रहिबा एवं शेषरे देखिबा आपण माने याको किपर ऑफलाइन रे आवेदन करिवे। दर्शक बंधु, वर्तमान मुझे नहीं आसी यार ऑफिशियल वेबसाइट को, जदि आपण मैंने चाहते वेबसाइट रे पहुँचापी आपड़ देखा भिडर तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यही वेबसाइट रो लिंक प्रोवाइड कर दि जाए आपण मैंने क्लिक कर पृष्ठ में पहुँची पारे। दर्शक बंधु, देखो ऑर्गेनाइजेशन नेम हूँ कलेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोरापुट। टाइप ऑफ जॉब रोचे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे आपण मैंने जॉब टी पाए। जॉब कैटेगरी हूँ ओडिशा गवर्नमेंट जॉब। लेडी मैट्रन पदवी पई आपणकर जॉब वैकेंसी प्रकाश पाई। एप्लीकेशन मोड आपण मानकर ऑफलाइन रे रहउची। आपण माने स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर पोस्ट साजरे एहाको अप्लाई करि परिबे। केउ माने एहाको अप्लाई करि परिबे देखंतु, वर्तमान देखन दर्शक बंधु माने एहा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पई आसुची। आपण निज निज डिस्ट्रिक्ट रु देखंतु निजो डिस्ट्रिक्ट रो पिला से डिस्ट्रिक्ट पई आवेदन करि परिबे। एहा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट अटे से कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पिला केवल एथिपाई आवेदन करें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपणकर कोरापुट रे रहिबो ओडिसा रो। डिसेंबर 13 तारीख रोज यार लास्ट डेट। आपण माने लेडी मैट्रन पई आवेदन करछन्ते केवल महिला मानंग पई पोस्ट टी रिजर्व रहिछि माने केवल महिला कैंडिडेट ही अप्लाई करि परिबे। ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखी नियंतु कौन रहा कथा आपणकर योग्यता। दर्शक बंधु, प्रथम देखि दिंतु शिक्षागत योग्यता कौन रहा आवश्यक। दर्शक बंधु, जदि आपण मैंने अतिकम प्लस टू टीए पास करते पदवीपी आप्लाय करें। प्लस थ्री करथिले मध्ये आपण माने एही पदवी पई आवेदन करि परिबे। अर्थात आपण माने कोनोसी रेकग्नाइज्ड बोर्ड किबा यूनिवर्सिटी रु जदि प्लस टू किबा प्लस थ्री करछन्ते ताहाले लेडी मैट्रन पदवी पई आपण माने अप्लाई करि परिबे। जॉब टी आपणकर कोरापुट जिल्लार कलेक्टर ऑफिस रे रहइबो। दर्शक बंधु, ए पुस्तक देखि नियंतु आपण मानकर वयस सीमा कोन रहइबा दरकार। जदि आपण माने कलेक्टर ऑफिस रे लेडी मैट्रन पदवी पई आवेदन टे करछन्ते आपणकर सर्वनिम्न वयस मेंशन कराइनि। सर्वाधिक वयस 35 वर्ष रहइबा आवश्यक। एज रिलैक्सेशन नै रहिछि गवर्नमेंट रूल अनुसार देखंतु। ओबीसी कैंडिडेट पई 3 वर्षर वयस सीमा को छाड़ कर जाउछि जहाँ फल ओबीसी स्टूडेंट माने सर्वाधिक जहाद्वारा ओबीसी स्टूडेंट माने सर्वाधिक 38 वर्ष पर्यंत फॉर्म अप्लाई करि परिबे। जदि आपण माने एसटीएससी पीडब्ल्यूडी किंबा एक्स सर्विस मेन अटंते ताहाले आपणकर वयस सीमा को 5 वर्ष पर्यंत कोहल कर दि जाय छी जहाद्वारा आपण माने 40 वर्ष पर्यंत सर्वाधिक अप्लाई करि परिबे। दर्शक बंधु, ए पुस्तक जानते आपणकर सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहइबो। कैंडिडेट निहाती भाव में कौन से एग्जाम देवाक पड़े ना आपण मानक आपण मैने मार्क बेसीस सिलेक्शन एवं शेष डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हे कि कौन से एग्जाम हबार ना। एप्लीकेशन फी कौन रही देखो, जदि आपण मैंने जनरल कैंडिडेट होता किंबा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होता ओबीसी कैंडिडेट फिजिकल हैंडिकैप्टेड एसटी एससी फीमेल ट्रांसजेंडर आपण मैंने जो केस जो बिलंग करते आपण एप्लीकेशन फी किसी ना नो फी रही आल कैंडिडेट्स नो फी रही कौन भी आपण मानक एप्लीकेशन फी पेमेंट करा पड़े जदि आपण मैंने पदवी पर आप्लाय कर।
ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 रो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन देखो दर्शक बंधु आपण मन तो जानते यहाँ ऑफलाइन आवेदन करेंगे जदि ऑफलाइन आवेदन करते कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यकता होती देखो प्रथम आपंकर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जहाँ मेंशन कराला प्लस टू कि प्लस थ्री सर्टिफिकेट मार्कशीट सेकेंड रही आपणकर जन्म प्रमाणपत्र थर्ड रोचे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज रो फोटो फोर्थ रोचे जदि आपण माने जनरल केस्ट व्यतीत अदर कौन केस्ट रू बिलंग करछन्ते ताहेले आपणकर केस्ट सर्टिफिकेट बा जाति प्रमाणपत्र निहाती आवश्यकता रही फिफ्थ रही जदि किसी एक्सपीरियंस अच्छे ताहेले एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जस बंधु एपरी पांचटी डॉक्यूमेंट रेडी करंतु एवं यहाँ ऑफलाइन आवेदन करंतु ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 रो इंपोर्टेंट डेट कौन देखो तो दस बंधु यार अप्लाई स्टार्ट हो सारी अलरेडी आपन चाहिए एवं अप्लाई करेंगे अप्लाई रो लास्ट डेट रोचे 13 डिसेंबर 2023 माने डिसेंबर मास 13 तारीख पर्यंत आपंकर लास्ट डेट रोचे आपण मानक जेहेतु ऑफलाइन आवेदन करवाक आपठ अप्लाई करूँ ओडिशा कलेक्टर ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 रो इंपोर्टेंट नोट कौन रही देखो दर्शक बंधु जदि आप्लाई करते आप्लिकेसन में कौन से डिले रहा फाल्स डॉक्यूमेंट किसी देवे ना इनकम्प्लीट आपणकर दरखास्त देवे ना जदि यह करते आपण मान दरखास्त को अथॉरिटी मान द्वारा अग्राह्य रिजेक्ट करती टे ध्यान दिंतु ओडिशा कलेक्टर फीस रिक्वायरमेंट 2023 को आपण मैंने किपर आप्लाई करेंगे ऑफलाइन देखते दस बंधु फास्ट विजिट करूँ यार ऑफिशियल वेबसाइट एवं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ु दस बंधु आपण मानक रखे जे आपण देखा भिडियोर तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यही जॉब रिलेटेड समस्त लिंक जोगे दि जाएगी जपरिक ऑफिशियल वेबसाइट जोगे दि जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपठा क्लिक कर पढ़ी पारे सेकेंड रोचे आपण मैंने केयरफुली यहाँ भल भाव में पढ़ु आप्लाय करने पूर्व थर्ड रोचे जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट आपन को मगा जाएगी एंट्री करूँ फोर्थ रोचे जिते आपजिस्ट्रेसन करा डक्यूमेंट देखते तार गोटे नोट करूँ फिफ्थ रोचे आपलोड करूँ आपण रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को सिक्स्थ रोचे जहाँ अथॉरिटी द्वारा जो डिक्लेरेशन दि जाए तेज़ पढ़ु एग्री हूँ सेभेन्थ रोचे आपण मानक तो कौन से आप्लिकेसन फी मगा जाए से 7, 8, 9 नंबर को आपनेग्नोर करूँ देन 10 नंबर रोचे सबमिट बटन रे क्लिक करूँ दस बंधु सबमिट बटन रे क्लिक करा पूर्व आपको मुझे अनुरोध करो डॉक्यूमेंट सब देखते ठीक अच्छे ना पुणी थे चेक कर दिखते देन सबमिट बटन रे क्लिक करूँ एवं यार गोटे हार्ड कॉपी नहीं दिखाँ जहाद्वारा आपलाइन आवेदन करने सुविधा हे दस बंधु भावचे भिडियोटी आपणकर बहुत काम लगे जदि किसी उपकार करीडियो गोटे लाइक कर दिंतु सांग सहित जथेष परिमाण में सेयर करूँ जदि चैनल नुआ अच्छा ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन रे प्रेस कर आल सेट कर दिंतु जहाँफल प्रतिदिन प्रकाश पाता नुआ नुआ सरकारी निजुक्ति विषय आपण मैंने प्रथम नोटिफिकेशन पापारे दर्शक बंधु आपर बहुमूल्य समय व्यय भिडियोटी को लास्ट पर्यटन देखिथ्वर आपण मशेष धन्यवाद पुणी देखा हे अनेक अध्याय जय जगन्नाथ।